हेलो फ्रेंड, तो हम सभी इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि ऐसे अगर मटेरियल मैनेजमेंट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, गिव फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं वो चीजें बताना है। तो सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि एक कोई मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या काम आ सकता है, मैनेजमेंट में क्या क्या काम आ सकता है। तो आप मटेरियल को परचेस करने में, मटेरियल का बजट बनाने में, मटेरियल का सिलेक्शन करने में, मटेरियल्स का स्टोरेज करने में, मटेरियल्स का इंस्पेक्शन करने में, मटेरियल का सही यूज में, तो ये सारा कुछ अगर फंक्शंस प्रॉपर तरीके से होता है तो मटेरियल मैनेजमेंट ये कंप्लीट होता है। क्लियर? तो ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आप ये आराम से बता सकते हैं कि ये फंक्शंस हैं। तो मैं फंक्शंस में बता देता हूं, जैसे कि कुछ मेन जो फंक्शंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है कि मटेरियल का एस्टिमेट, मटेरियल का एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या है? एस्टिमेशन में उसका क्वांटिटी निकालोगे, ठीक है, उसके साथ उसी में आप उसका बजट भी निकाल सकते हो, बजटिंग कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये हिस्सा है उसका कि ये सब अगर करेंगे तो मटेरियल मैनेजमेंट का होगा, मटेरियल मैनेजमेंट होगा। एंड प्रोग्रामिंग, ये सारा कुछ आ सकता है, ये सारा कुछ आ सकता है किसमें, एक फंक्शन हो सकता है। दूसरे फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो हर एक टाइप का, अलग अलग जो टाइप ऑफ मटेरियल है उनका एस्टिमेटिंग करना, ये तो पूरे की बात कर रहे हैं, मतलब एक एक सिंगल सिंगल मटेरियल का भी एस्टिमेट करना, एस्टिमेटिंग द टाइप ऑफ मटेरियल्स और क्या देयर एक्चुअल क्वांटिटी, और उनकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, उनकी एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। मैं देखो स्पीड में नहीं कर रहा हूं, स्लो में कर रहा हूं, तो अगर आपको अगर पता है तो आप 2 के स्पीड में या 1.5 के स्पीड में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। क्वांटिटीज एंड द टाइम, मतलब शेड्यूल भी, टाइम एट विच इट इज रिक्वायर्ड, ओके, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ये भी एक फंक्शन है कि हर मटेरियल का आप एक अलग से एस्टिमेट तैयार कर लें, उनका एक्चुअल क्वांटिटी कितनी जरूरत पड़ेगी और किस समय पे कितना जरूरत पड़ेगी, ये एक काम आ सकता है। तीसरा अगर मैं यहां पे बताऊं तो हो सकता है कि टाइप ऑफ मटेरियल, जो हमारे पास टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं, टाइप ऑफ मटेरियल टू बी परचेस्ड, परचेस डिपार्टमेंट एक आ सकता है उसी में, डिपार्टमेंट तो नहीं बोलेंगे, ये कुछ का फंक्शन फंक्शंस है। चौथा क्या कर सकते हैं कि ये मटेरियल परचेस करके ला रहे हो तो उसकी स्टोरेज कैसे हो वो प्रोवाइड करना, प्रोवाइड प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर स्टोरेज के साथ साथ उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसके वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी के आगे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सो एज टू रिड्यूस वेस्टेज, वेस्टेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर प्रॉपर आपको स्टोरेज नहीं बना के रखे हो, कहीं पे भी डाल दोगे तो उसमें मटेरियल वेस्टेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वेस्टेज हो सकता है या पिल्फरेज हो सकता है, पिल्फरेज एंड मटेरियल का डिटोरिएशन हो सकता है, एंड डिटोरिएशन, जो मतलब हर कोई मटेरियल डिटोरिएशन नहीं होगा, जो मटेरियल उस टाइप का है वो होगा। तो ये अगर प्लेस प्रॉपर तरीके से उसे मिलेगा तो ये नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, पांचवा अगर मैं बताऊं उसके फंक्शन, तो आप ट्रांसपोर्टेशन एक आ सकता है फंक्शन, अरेंजिंग, अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे, इन द मोस्ट इकोनॉमिकल वी,
फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग मटेरियल। ठीक है, ये भी काम हम आसानी से एक एक कुछ का एक फंक्शन हो जाता है, एक उसका एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। एक ये भी फंक्शन हो सकता है कि जितने भी मटेरियल उनका इंस्पेक्शन भी करते रहना। इंस्पेक्शन अभी आप मान लीजिए कि सीमेंट की गोनी मंगा लिए और उसको इंस्पेक्ट नहीं कर रहे हो कि कहीं मॉइस्चर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो कुछ समय के बाद तो पूरा बेकार ही हो जाएगा। तो ये भी एक फंक्शन कहा जाता है, इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल। क्लियर। एंड लास्ट अगर बताऊं सातवां फंक्शन, तो हो सकता है मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना, कि ताकि हम ये कोई भी वेरियस मेथड यूज करके हम मटेरियल को कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, उसको कम कर सकें। तो ये भी कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स यूजिंग क्या यूज करके, वेरियस कॉस्ट रिडक्शन मेथड, वेरियस कॉस्ट रिडक्शन मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वही मैं बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है इनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो वही 6 मिनट 4 मिनट के हर एक इसके क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो चीजें मैं बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू।